देश भर में रक्षाबंधन के त्यौहार की धूम है। ताज नगरी आगरा में जेल में बंद भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए जिला कारागार आगरा में बहनें पहुंची। जेल में बहनों को भाई से मिलने के लिए जेल प्रशासन ने समुचित व्यवस्था की है। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल का निरीक्षण किया। जेल में भाई बहन के बैठने की समुचित व्यवस्था की गयी। बता दें कि कारागार मंत्री ने ये व्यवस्था की है। वहीं मंत्री ने बहनों से अपील की है कि जेल में बंद जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं, उनके हाथ पर भी राखी बांधे, जिससे कि वह अपने आप को अछूता नहीं समझे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने पूरे उत्तर प्रदेश में छूट दी है आज रक्षाबंधन के दिन कि जितनी भी बहनें आए सबको राखी बांधने दी जाए। हो सकता है भीड़ ज्यादा है, बड़ी लंबी लाइन लग रही है वहां से वहां तक। पानी की व्यवस्था हमने कराई है, उधर टैंकर लगा है, यहाँ शरबत मिल रहा है, अंदर भी पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। मेरा कहना है कि सभी बहनें राखी बांध के जाएंगी और जेल प्रशासन के लोगों से हमने कहा है कि कोई भी बहन बिना राखी के लौट के न जाए। और प्रेरणा ये भी मिलनी चाहिए हमें कि बहन जब भाई से मिलें तो थोड़ा आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अपने भाइयों से थोड़ा समझाएं। बाहर भी हम परिवार के लोग अपने बच्चों को समझाएं कि कोई ऐसी गलती न हो जिसके कारण ये दिन देखना पड़े कि बहन जेल में मिलने आए। और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि कहीं ऐसा अवसर हमें देखने को मिलता है, कहीं वाद विवाद होना, उस समय को चुका देना चाहिए। क्योंकि जेल में आने के बाद परिवार, वो परिवार जो बाहर रहता है, बहुत बड़ी परिस्थितियों का सामना करता है वो परिवार। देखिए मेरी ओर से, सभी के लिए, मेरी सरकार की ओर से सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है। और सभी बहनें अच्छे से अपने भाइयों से मिलकर के जाए। हम समय दे रहे हैं, भाइयों के पास बैठने का भी अवसर दे रहे हैं, और जो भी बहन सामान ला रहे हैं वो सामान चेक करा करके अंदर और उनको दिया भी जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।